आज आपको पांच सबसे बेस्ट पे लेटर ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जिसका लिमिट आपको मिल सकता है 1000 से लेकर 50,000 तक का। इन पांचों में अलग अलग लिमिट आपको मिल सकते हैं, जिस किसी में आपको 10,000 मिलेंगे, किसी में 20,000, किसी में 25,000, किसी में 50,000। इन पांचों एप्लीकेशन में पे लेटर एक्टिवेट करके बड़े आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ दिन का टाइमिंग होता है, जैसे कि इनका टाइमिंग होता है, उसके भीतर अगर पेमेंट कर देते हो आप तो कोई आपको ब्याज नहीं देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, चाहे कहीं जॉब करते हो, आपका सैलरी आने में टाइम है, चाहे घर से फीस आने में टाइम है, तो आप उसका फायदा उठा, मतलब यहां से इसका फायदा उठा के आप उसको वो काम कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप इसे एक्टिवेट करके आप उसको वो काम कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये बनाया गया है पे लेटर, जैसे कि मान लीजिए अभी इस्तेमाल करो, बाद में पेमेंट करो। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप सैलरी पर वर्क कर रहे हो, तो वहां पर सैलरी आने में टाइम होता है, जैसे कि तो कुछ शॉपिंग हमें करना होता है, चाहे कुछ रिचार्ज करना होता है, कहीं ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, बिल पेमेंट करना पड़ता है, ये सब चीज इस ऐप से कर सकते हो। इन पांचों एप्लीकेशन में एक्टिवेट करने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। किसी में दोस्तों सिर्फ आपको पैन कार्ड की मदद से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो इन पांचों में, ठीक है, पांचों में। किसी में आपको ज्यादा होगा आधार कार्ड मांगते हैं, वरना पैन कार्ड की मदद से आप इसे लगभग 1 से 2 मिनट में आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि ये पांच एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे मैंने सिंपल सा भाषा में लिखा है पे लेटर, देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है पे लेटर, यहाँ पे लोन लिखा है। ये एक लोन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें आपको ब्याज नहीं देना होता है, कोई ब्याज आपको नहीं लगता है। कुछ दिन का टाइमिंग होता है, उसके भीतर पेमेंट करते हो तो कोई यहाँ पे आपको चार्ज ब्याज आपको नहीं देना होता है। जैसे कि इस पे क्या है कि पांच जबरदस्त बताने वाला हूँ, जो कि सही एप्लीकेशन है, सही से आप इसे इस्तेमाल करते हो, टाइम से पेमेंट करते हो तो आपका सिबिल भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर नहीं टाइम से पेमेंट करते हो तो आपका सिविल भी घटेगा, ध्यान रखिए। दोनों चीज़ आपको बता दिया हूँ, तो टाइम से पेमेंट कीजिए इस पे, अगर इस पे एक्टिवेट करते हैं टाइम से पेमेंट कीजिए, जो भी आपका है उसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, ऑनलाइन कहीं इस्तेमाल कीजिए, टाइम से पेमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर पाँच एप्लीकेशन मैंने सिर्फ जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, हमारा काम है सही जानकारी देना, ठीक है। हम सिर्फ जानकारी देते हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो है, ताकि आपको सही जानकारी दे सकूँ। ऑनलाइन बहुत कुछ है, वो सब आपको सीखने का मौका मिले हमारे थ्रू। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो इनमें से पांच एप्लीकेशन मैं चुन के बताऊंगा, बाकी अलग अलग। अगर आपके नज़र में कोई एप्लीकेशन है उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर चाहते हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला नंबर पर जिस पे आता है ये है दोस्तों सिंपल पे लेटर। सिंपल पे लेटर दोस्तों यानी कि इस पे क्या है कि 50,000 तक का लिमिट मिल सकता है आपको, 50,000 तक का। इस पे क्या है कि दो तरीके से इस पे आपको एक्टिवेट करने का मौका मिल रहा है। अगर इसके बारे में जानना है तो जाके देख सकते हैं इससे कि मैंने कैसे विदाउट किसी डॉक्यूमेंट्स के भी इस पे एक्टिवेट किया है। लेकिन दोस्तों आप इसे डायरेक्ट जाओगे एक्टिवेट करने के लिए तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड सबसे पहले मांगते हैं, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड की मदद से आप इसे एक्टिवेट करके 25,000 तक का, यहाँ पर अभी अपडेट हो चुका है, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, तो 25,000 तक का लिमिट आपको मिल सकता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद धीरे धीरे आपका यहाँ पे आपका लिमिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिना ब्याज के KYC कंप्लीट करके आप इस पर ले सकते हो, बिना ब्याज के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये था सिंपल पे लेटर, मैंने बता दिया। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं पे लेटर के बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पे पर्सनल लोन के। पर्सनल लोन वो होता है जिस पैसे को आप बैंक में ट्रांसफर करो, उसे कहीं भी इस्तेमाल, उसे पर्सनल लोन कहते हैं। लेकिन इस पैसे को बैंक में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे दोस्तों आता है दोस्तों जेस्ट मनी। जेस्ट मनी दोस्तों देखते हैं, जेस्ट मनी से ये आपका पे लेटर भी है, पर्सनल लोन भी है, और यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। तो इस पर 2,00,000 तक का यहाँ पे मिलता है। तो इस पर दोस्तों कुछ अमाउंट जो ऐसे हैं जो आपको 0% ब्याज पे भी 30 दिन के लिए अगर पेमेंट करते हो, 0% ब्याज पे भी आपको मिल जाता है इस पर, ठीक है। तो ये भी एक पे लेटर ही है। तो यहाँ पे इस पर पूरी जन आप देखते हैं। अब बाकी पर्सनल लोन इस पर अलग है, पर्सनल लोन 1,000 से लेकर 1,00,000 तक का मिलता है, जिस पे आपको ब्याज आपको देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों पे लेटर जो होता है उसको इस पर इस्तेमाल, जैसे कि ऑनलाइन जो शॉपिंग करोगे, किस्त बनाओगे, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको चार्ज नहीं देना होता, उस पर ब्याज नहीं, तो इस पर है लेकिन, ठीक है। इस पर पे मतलब पे लेटर भी है, स्मॉल पे लेटर मिलता है इस पर, ठीक है। ये तो दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन। दोस्तों तीसरा जो आता है देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये है, ये देखते हैं FREO, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है। तो इस ऐप से आप देखते हैं यहाँ पे लगभग, यहाँ पे 8,000 तक का,
8000 तक का 30 दिन के लिए 0% ब्याज पे आप इस पे ले सकते हो, जिसके मैंने कहा था 1000 से लेके 50000 तक का, इन पांचों में अलग अलग तरीके हैं, तो वहाँ से ले सकते हो। तो इसमें दोस्तों 8000 का दिया गया है लिमिट, तो इस पे 8000 का लिमिट दिया गया है। अब बाकी दोस्तों यहाँ पे पोस्ट पे है अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पे लेटर है जो 0% जिस पे ब्याज कोई नहीं लग रहा है वो सिर्फ 8000 लिमिट दिया जाता है, तो वो 30 दिन के भीतर आप पेमेंट करते हो तो कोई आपको चार्ज नहीं देना होता है। तो बाकी इस पे भी सिंपल तरीके से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। और इसको दोस्तों कहाँ कहाँ पे, जिसके मान लीजिए एक्टिवेट कर लिया तो स्कैन करके जो मर्चेंट होते हैं कई दुकान रहते हो तो वहाँ पे क्यूआर कोड लगाता है, वहाँ भी पेमेंट आप कर सकते हो इस पे, ठीक है। डिजिटल केवाईसी, कोई आपको चार्ज वगैरह आपको नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये तीसरा एप्लीकेशन था। चौथे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, देखते हैं लेजी पे, तो लेजी पे शायद अभी बंद कर रखा है तो लेजी पे के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, तो लेजी पे को हम अभी हटाते हैं अभी, ठीक है। ये तो दोस्तों चौथा एप्लीकेशन पोस्ट पे, पोस्ट पे के ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखा, जाके देख सकते हैं उसको। तो ये था दोस्तों 60 सेकंड के अंदर 10 लाख तक का आप ले सकते हो 60 सेकंड के। इस पे क्या है कि इस पे 10 लाख तक का इन्होंने दिया है, लेकिन दोस्तों 10 लाख तक का आपको इतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन दोस्तों कम ही अमाउंट जो पे लेटर होता है 50,000, 10,000, 20,000 ऐसे मिलते हैं। तो 10,000 तक का दिया गया है, 60 सेकंड के अंदर आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी इसका फुल वीडियो चाहिए तो जो कमेंट पे दिया गया है इसका लिंक, जाके उसको देख सकते हैं आप। तो इस पर 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो कोई ब्याज यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट रेट फ्री है, यानी ब्याज आपको कोई नहीं देना है, ठीक है। ये है दोस्तों इस पर, ये तो दोस्तों चौथा एप्लीकेशन। दोस्तों पांचवे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, नीचे आएंगे तो बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। देखते हैं नीचे आएंगे तो बहुत सारा एप्लीकेशन, एक नहीं अनलिमिटेड एप्लीकेशन है हम बात करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे है फ्री रिचार्ज। फ्री रिचार्ज में दोस्तों ध्यान रखिए, जो पे लेटर है कई लोगों को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लगभग 50% लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि दोस्तों फ्री रिचार्ज जो एप्लीकेशन है, फ्री रिचार्ज से भी पे लेटर मिलता है आपको। अगर इसके बारे में पूरा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो फ्री रिचार्ज है ना, इस पर क्या है कि आपका एक अलग तरीका है, दो तरीका है, इस पर अलग तरीका है। तो इस पर कैसे मिलता है? इस पर मिलता है जब आप इस पर इस ऐप को यूज करोगे, जैसे कि अपने UPI से पैसे, जैसे कि फोन पे पेटीएम चलाते हो, उस तरह का ये एप्लीकेशन है। इसको आप इस तरह यूज करोगे तो तभी जाके आपको लगभग एक वीक दो वीक चाहे एक दो महीने इस्तेमाल करते रहोगे तब जाके आपको पे लेटर पे मिलता है, ऑफर मिलता है, वरना इस पे नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों पाँचवा एप्लीकेशन। ये पाँचों एप्लीकेशन से कभी भी चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है ये। और ये हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना है, मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको जानकारी दी है, और जो सही एप्लीकेशन है लगा है मुझे वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि भैया एप्लीकेशन के बारे में सही से जानो, समझो, उसके बाद जाके अप्लाई करो, ठीक है। इन पाँचों एप्लीकेशन से कभी भी ट्राई कर सकते हो पे लेटर के लिए। इन पाँचों में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, और बिल पेमेंट करके पैसा जब आए तो आप इस पर इसको पे करके इसको क्लियर करके दोबारा एक्टिवेट कर इसे देखते हैं। एक बार आप इस पर एक्टिवेट कर दोगे तो इसका एक लिमिट होता है, जैसे कि मान लीजिए KYC कर दिया आपने, तो इस पर 1 साल 2 साल 3 साल का KYC एक ही बार आपका हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बार बार आपको KYC नहीं करना पड़ता। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बार एक्टिवेट कर लिया किसी एप्लीकेशन में, और उसे बार बार रीपेमेंट करते जाओगे पे, आप खुद उसको करते जाओगे पे, तो दोबारा आपको वो उस अमाउंट को यूज करते जाओगे, दोबारा KYC करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी हमारे चैनल तरफ से लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।